झुंझुनू में आयोजित सर्व समाज द्वारा आयोजित धरने में पधारे हमारे सभी जिले के चिकित्सक और सर्व समाज के लोगों का मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मेरे से पूर्व वक्ता के रूप में डॉक्टर प्रियंका जी ने एक दर्द बयान किया कि हमें आज ये लगा कि झुंझुनू की भीड़ यहां शायद इस जगह पे नहीं आ पाएगी, इतनी भीड़ होनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब, ये तो नाराज में थोड़ा मरा हुआ समाज है कि यहां जितने भी आज तक आंदोलन हुए उन आंदोलनों को दबाया गया है। अगर इस मुद्दे को लेकर हम चले तो इस बात का संकल्प लेंगे हम लोग कि जब तक उस पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिले, जब तक पूरे हिंदुस्तान में धरने प्रदर्शन चालू रहने चाहिए। हमारी हरियाणा की बेटियां 6-6 महीने तक जंतर मंतर के ऊपर धरने पर बैठी रही और किसी को जून तक नहीं रहेंगी। मेरी बात तो कोई अदरवाइज मत लेना, लेकिन आज जब इस बात का तकलीफ होती है, क्योंकि मेरी बेटियां भी 2-2 डॉक्टर बन रही है, मेरा एक 14 साल का बेटा कल उसने स्टेटस में आपका कैंडल मार्च का स्टेटस लगा रखा था, तो मेरे ड्राइवर ने मेरे से पूछा कि रियान ने आज स्टेटस काहे का लगाया है। तो मैंने कहा मैंने तो नहीं देखा, मैं स्टेटस देखता नहीं हूं। तो मैंने बाद में पता किया कि मैंने खुद ने पूछा उससे, मैंने कहा बेटा ये क्या लगाया आपने? बोले पापा मेरी 2-2 बहनें कॉलेज के अंदर है, आप लोग तो साल में 2 बार जाते हो, उनका रखवाला कौन है? अगर हम हाथ लोग इन बेटियों की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इस बात का झुंझुनू के सर्व समाज का अगर हमने नारा दिया है तो मैं सर्व समाज से निवेदन करूंगा कि कम से कम दिन में एक बार आधा घंटे के लिए इस धरने में आके शामिल हो और अपनी हाजिरी लगवाए। ये राजनीति पूरी जिंदगी करते रहना, तो बीजेपी कांग्रेस कुछ नहीं है। आज इस बेटी के न्याय का मैटर है और अगर इस बेटी को न्याय नहीं मिलेगा तो जैसे और धरने और आंदोलन आज तक दबते हैं उसी तरह ये आंदोलन भी दब जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं एमडी चौकदार साहब का